even your life is worthless in front of His calling. Hallelujah. इस पे ध्यान करना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, right? I'll go on. जब आंधी आए तो सब लोग क्या किए? सामान फेंकने लगे. लेकिन जोना क्या कर रहा था? कहाँ सो गया? कहाँ गया था? He went down. अगर वो चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे ना, the word down is repeated so many times. He went down to Tarsis. He went down to lowest part of the ship. He went down into the fish belly. आगे अगर पढ़ेंगे ना, तो जब भी भागेंगे परमेश्वर के कॉल से, आप ऊपर नहीं उठेंगे, नीचे जाएंगे. नीचे का रास्ता ढूंढेंगे तो ऊपर नहीं उठेंगे. He went down and क्या किया उसने वहां पे? गहरी नींद में सो गया. यहां तूफान आ रहा है, मैं बोला ये तो जीसस का कॉपी है. कॉन्फिडेंस है इसका, है ना? तूफान भी आने दो, आगे बताता हूँ दोनों का क्या रिलेशन है, राइट? क्योंकि जीसस ने मेंशन किया उसको, राइट? तो ये सो गया जाके, तूफान आ रहा है, सब ऊपर परेशान, सामान फेंक रहे, कैसे रुकाना है, क्या करना है? ओके, स्टोरी आप घर जाके पढ़ लो, मैं बोल देता हूँ. तब जो कैप्टन था वो ढूंढने लगा, क्या बोलता है ये आराम से सो रहा है. फिर उसको पकड़ के कॉलर, मुझे लगता है कॉलर पकड़ के उठाया होगा उसने. वो बोला सब मर रहे हैं, उठ जा, राइट? कितनी देर सोता है, अभी उठ जा. मुझे एक समझ में नहीं आया है ना, व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग, ये जो व्यक्ति है परमेश्वर पर विश्वास रखता है, राइट? परमेश्वर का क्या बोलते हैं, ही इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड. और जब तकलीफ आई, राइट? तकलीफ आई तो ऊपर का नजारा क्या था पता है? सभी लोग जितने भी थे, सभी देश के लोग अपने अपने परमेश्वर को पुकार रहे थे. लेकिन ये इंसान सो रहा था. अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम द कॉल ऑफ गॉड इज ऑलवेज स्लीपिंग.